हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू जेसी टैरट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन के आज दोपहर में अभी कुछ देर पहले के थॉट्स क्या रहे, क्या कुछ चल रहा था उनके मन में। अपने अपने पर्सन को आप मन में ध्यान में रख सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। ये कार्ड आई थिंक मॉर्निंग में भी आया हुआ था। ओके, अपसेट तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, दिल भी यहाँ पर दुखा हुआ। आई थिंक कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है बहुत 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 जल्दी जो है ब्रेकअप सिस्टम हुआ है और वो वापस से बात करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। आपका और उनका जो रिलेशनशिप है उन इस एनर्जी में चाह रहे हैं लेकिन इस एनर्जी में हो नहीं रहा है। इसके वजह से आपके पर्सन पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट और इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही, साथ साथ में यहाँ पर खुद में ही खोए हुए हैं, खुद में ही खोए होंगे और खुद ही ख्यालों में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा जिससे वो हो सकता है आपकी पुरानी यादों को याद कर रहे होंगे, आपकी पुरानी बातों को लेकर हो सकता हो याद कर रहे हों, आपके साथ जो घूमना फिरना, सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना, पार्क जाना, वहाँ टाइम स्पेंड करना, कुछ ऐसी यादें हो सकता हूँ जो कि स्पेशल हों, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है याद करते हुए नज़र आए और उसी को लेकर यहाँ पर भावुक भी होते हुए नज़र आए हैं। बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल हो गए होंगे। हो सकता है फूट फूट कर आपके पर्सन को रोना आया हो, फूट फूट कर रोए हों, दिल काफ़ी ज़्यादा दुख गया हो, ज़ख्म ताजे हो गए हों, मेमोरी जो है पूरी जो है वो फ्लैशबैक जिसको कहते हैं पूरा वापस से याद आ जाना, ऐसी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर आपके पर्सन की आज दोपहर की। अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश किया है, अपने इमोशनल लेवल को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रहे थे आपके पर्सन। हो सकता हो आसपास उनके कोई हो तो उन्हें जाहिर ना करने दे रहे हों कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ या मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा है या मैं अपने पर्सन को मिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन की हो सकती है। डेफिनेटली 9-9 की एनर्जी आ गई है तो आपको मांग रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप विश हो उनकी, आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं। डेफिनेटली नो डाउट कि वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको याद करते हैं। 9 of Cups विद 10 of Cups एंड 9 of Pentacles डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी चीज़ों को यहाँ पर आपके पर्सन जो है लाना चाहते हैं और जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं वो एंड करना चाहते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर आपके पर्सन देखिए सोचते हुए नज़र आए और उसी के चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना भी करते हुए नज़र आए। खुद में ही अगर उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्यों हो रहा है, मैं हो सकता हो पास्ट में आपकी सिचुएशन कुछ अजीब हुई हो, आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लग रहा हो कि यार मैंने शायद बहुत ज़्यादा गलत किया है पास्ट में, अपने पर्सन को धोखा दिया है, चीट किया है, डिस्टर्ब किया है, ट्रस्ट नहीं किया है, उन सब चीज़ों का यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं बर्डन दिखाई दे रहा है। अपने आप में जूझ रहे हैं, अपने आप में परेशान हो रहे हैं, अपने आप में चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होंगे खुद से चीज़ों को कि जो भी मैंने पास्ट में किया है वो चीज़ों को मैं याद ना करूं। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है उनको सारी चीज़ें ताज़ा हो गई हैं, उनकी लाइफ में उनको याद आ गई हैं जो भी उन्होंने आपके साथ किया है और जो भी बुरा बिहेवियर किया है, आपके साथ चीट किया है, आपको निगलेक्ट किया है, आपको बहुत इग्नोर, डिस्टर्बेंस या डोमिनेट बिहेवियर या अग्रेशन, गुस्सा दिखाया है आपको, वो सारी चीज़ों को आज बोझ लेकर कहीं ना कहीं आपके पर्सन दिखाई दिए, बोझल दिखाई दिए, उन सारी यादों को याद करते हुए दिखाई दिए और उसी के वजह से यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा आपके पर्सनल जो है पर्सन जो है वो इमोशंस से भरे हुए नज़र आए, इसीलिए बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आए। उनको अपनी ही चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करती हुई नज़र आई, अपनी ही चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज दिखाई दिए, आपको डेफिनेटली मिस किया, याद किया, आपको आपकी पुरानी यादों को याद किया, आपके साथ बिताए उन समय को याद किया। अगर आपके साथ वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि निकलना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो निकल नहीं पाए, यही सारी बातें उनके मन में कहीं ना कहीं चल रही थी कि मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं इस रिश्ते में वापस ना आऊँ लेकिन मुझसे ये हो नहीं पाया।
एक कहीं ना कहीं मेजर चेंजेस से आपके पर्सन या तो गुजर रहे हैं या तो गुजरने वाले हैं, या एक बड़ा बदलाव जो है वो इन चीज़ों को लेकर चाह रहे हैं आपके पर्सन की, उनकी लाइफ में एक सडन चेंज हो जो कि एक मिराकल लाकर उनकी लाइफ में मिरेकल कर दे और सारी चीज़ें सडन से ठीक हो जाएं। तो यही चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन के मन में भी चल रही थी कि सारी चीज़ें अचानक से कुछ ऐसा जादू हो और सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन की ठीक हो जाएं, सब कुछ पहले जैसा हो जाए जैसे कि वो पहले कभी था। यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूँ, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के पर्सन जो है वो किसी ना किसी मेजर चेंज से गुजर रहे हैं जो कि उनके साथ करंट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा हैवी जा रहा है। वो उनका करियर, उनका फैमिली, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके साथ वो टफ समय बिता रहे हैं, टफ सिचुएशन जा रही, वो हो सकता है और टफ सिचुएशन आपके साथ रीयूनियन आप दोनों का नहीं हो रहा है या नहीं हो पा रहा है या किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से उसका लोड हो, कुछ भी हो सकता है, एनी रीज़न यहाँ पर हो सकते हैं। बट चेंजेस तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ में चल रहे हैं, चाहे वो पर्सनल उनकी ग्रोथ के लिए हो रहा हो या उनको सबक देने के लिए हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। और ये उन्हें कहीं ना कहीं समझ भी आ रहा है कि यस मैंने चीज़ें ख़राब की हैं और ये चीज़ें मुझसे ही ख़राब हुई हैं, या यस मैंने पास्ट में ऐसा ऐसा किया है। तो सिचुएशंस उन्हें भी समझ में आ रही है, जो चेंजेस उनके लाइफ में हो रहे हैं या होंगे या जो चल रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। अब ये डिवाइन की तरफ से चीज़ें उनको दी जाती हैं उन्हें समझाने के लिए, सबक देने के लिए, सीख देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दोबारा ज़िंदगी में ना दोहराने के लिए, ऐसी चीज़ें होती हैं टाइम टाइम पर, समय समय पर। तो हो सकता हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के पर्सन के लाइफ में ये सिचुएशन जो है घटित हो रही हो, इस वजह से भी यहाँ पर आपके पर्सन के ना अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में आपके पर्सन हैं। और हैवी एनर्जी में ही यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पर आपकी आज दोपहर की रही है। बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर आपको मिस किया है, आपके साथ चीज़ों को याद किया है, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, आपके साथ ही रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद भी करते हैं। आपकी विश उनकी विश लिस्ट में आप शायद सबसे ऊपर हो मांगने में, कि वो सबसे पहले आपको मांगते हों उसके बाद चीज़ों को मांगते हों, ऐसा भी हो सकता है। मैनिफेस्ट टेक्निक भी यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर यूज़ कर रहे हों ताकि आपका उनका सब चीज़ ठीक हो सके। सिचुएशन जो भी हो, ओवरऑल यहाँ पर आपके पर्सन को जो है सॉरी महसूस हुआ है आज, काफ़ी ज़्यादा उनको ऐसा लगा है कि यस उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो ओवरऑल आपके पर्सन जो है आज दोपहर में काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिखाई दिए हुए, खुद से ही सेल्फ हर्ट रहे हैं, अपने चीज़ों को लेकर हर्ट रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी कि अपनी चीज़ों को किसी से ज़ाहिर ना करें। ओके, तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पे आपके पर्सन की जो कि आज की दोपहर की रही हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।